मौलवी के मुंह से राम राम। कटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक की ओर बढ़ती दिख रही है। इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा में चुनाव जीत रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। एग्जिट पोल वाले तो फ्लॉप हो गए, मगर अब कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीएम योगी ने हरियाणा में जहां जहां रैली की वहां बीजेपी को बढ़त मिल गई। सीएम योगी ने हरियाणा में अपनी चुनावी सभाओं के दौरान ऐसे धमाकेदार बयान दिए जिन्होंने चुनावी नतीजों को पलटकर रख दिया है। योगी ने हरियाणा में खड़े होकर कई बार कहा कि बटोगे तो कटोगे। सीएम योगी ने हरियाणा में भगवान राम और कृष्ण का भी जिक्र किया। माना जा रहा है कि योगी ने हिंदू वोटों को एकजुट किया है। आज हम आपको सीएम योगी के कुछ बयान सुनवाएंगे जिन्होंने हरियाणा को पलट कर रख दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि सीएम योगी ने हरियाणा में धुआंधार चुनावी अभियान किया था। पार्टी को जीत दिलवाने के लिए सीएम योगी ने 21 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया। सीएम योगी ने हरियाणा में 14 जनसभाएं की थी। वैसे सोशल मीडिया पर अब कई लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने हरियाणा में जहां जहां रैली की वहां कांग्रेस को नुकसान हो गया। बहरहाल सोशल मीडिया पर तो लोग कुछ भी कहते रहते हैं, मगर अब आपको सीएम योगी के वो बयान सुनवाते हैं जिन्होंने हरियाणा में धुआं उड़ा दिया। बहनों भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। जम्मू में बारिश पड़ रही थी, मैं एयरपोर्ट के अंदर गया तो मैं तो अचानक ही अंदर गया था। मुझे तो वहां लैंड करके तत्काल वहां से हेलीकॉप्टर से प्रचार करे निकलना था, लेकिन मौसम खराब था इसलिए मैं अंदर चला गया। मैं अंदर जैसे ही गया तब तक एक सज्जन बोल रहे थे कि राम राम। उन्होंने वहां से आवाज आ रही थी कि साहब राम राम। तो मैं चूंकि मेरा कोई परिचय भी नहीं था वहां पे, ना मैं किसी को जानता था, तो मैं उधर देखा नहीं, मैंने उधर देखा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई कि योगी साहब राम राम। मैंने देखा तो वह एक मौलवी था। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम, तो मुझे लग गया। बहन और भाइयों, मुझे लग गया ये 370 धारा 370 समाप्त होने का प्रभाव है। कांग्रेस तो कहती है राम हुए ही नहीं, ये तो राम पे विश्वास नहीं करते, ये कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। इनको चाहिए, कहते हैं कि राम के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, कृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि तो केवल वह कोड के लिए होनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने चांद मोहम्मद को टिकट बनाकर के पंचकुला को लूटने के लिए भेज दिया है। ये आज के चंड और मुंड है, ये महिषासुर है, और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा, इसके दो अर्थ हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम का की पावन भूमि है, लेकिन हरि आना भी है।